अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं अपना कैमरा साफ कर लूँ क्योंकि मेरा कैमरा बार बार गंदा हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और जन्नत जा रहे हैं दीदी के घर, मतलब मुझे मेरी बड़ी नंद हम के घर जा रहे हैं। रात को लेशा भी आई हुई थी तो उसके साथ ही हम लोग जा रहे हैं, उसको भी छोड़ देंगे साथ में खुद भी। थोड़ा आज वैसे भी संडे है तो जन्नत भी नूर से मिलेगी, मैं भी मिल लूँगी थोड़ा, तो फिर थोड़ा घूम फिर के भी आ जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे। हम सब जा रहे हैं, सब घर से निकल गए, हमेशा घर से निकल के ही हम आपको मिलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोग बोलते होंगे रेडी होने टाइम ये ब्लॉग नहीं बनाते, भाई इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि खुद भी तैयार करना तो, और हमसे ज़्यादा जो क्यूरियस होती है जन्नत होती है, उसको इतना जल्दी होती है बाहर जाने की, इतना जल्दी होती है बाहर जाने की। तो फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं अपनी चप्पलें साफ़ कर रही हूँ, मेरी चप्पलें बहुत गंदी हो गई तो मैं कपड़ा गीला करके चप्पलों पर लगा रही हूँ। तो चलिए जी निकल रहे हम। तो एक्चुअली जाने का मन तो मेरा नहीं था, लेकिन जन्नत की वजह से मैं जा रही हूँ क्योंकि जन्नत बोलती है मम्मा नूर से, एक्चुअली वो नूर को बहुत ज़्यादा याद करती है। नूर पता कौन है? नूर मेरी ननंद की बेटी है, जो बड़ी ननंद है उनकी बेटी है। तो उसी को बच्चों का बच्चों से मिलाने के लिए लेके जा रही, साथ में खुद भी थोड़ा मिल लूँगी। तो आज वैसे मेरी तबीयत कुछ, रात से मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, हम रात को हॉस्पिटल भी गए थे। तो चलिए जी, पाँव सौ मेरे सेट हो गए, चप्पल चप्पल मेरी सेट हो गई है। तो एक मुझे ना OCD है, जब तक मेरी कोई चीज़ परफेक्ट ना हो तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती होती। तो मेरा सब कुछ परफेक्ट होना ही चाहिए, चाहे वो पुराना ड्रेस हो या नया ड्रेस हो, लेकिन हाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो बस वही जो है पूरा कर रही हूँ मैं। चलो चलते हैं जन, चलो अब। तो चलिए जी हम घर से निकल रहे हैं अब। तो जन्नत भी, जन्नत हम चलें, हम जन्नी हम कहाँ जा रहे हैं? जन्नी बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? चलो अब, चलो बस हो गया, चलो हाँ चलो। तो भाई हम निकल रहे हैं, चलते हैं हम यहाँ से, तो मिलते हैं आपको वहाँ जाके। तो फिर अभी हम घर से निकल, देखो जन्नत नूर आगे गए, सॉरी जन्नत और अलीशा आगे आगे चल रही है। अच्छा जन्नत के सर में कुछ लगा हुआ है, फ्लावर है। चलो तो भाई ये है जी लाइब्रेरी, एक्चुअली हाँ ये मेरे भाई ने लाइब्रेरी ओपन की थी, इल्हाम लाइब्रेरी। इल्हाम पता कौन है? मेरी बेटी का नाम है जी इल्हाम, जन्नत का नाम इल्हाम है, उसके नाम से लाइब्रेरी ओपन की हुई है। तो ख्योरा में लाइब्रेरी है ये, राशि मामूली क्लिनिक के पास। बड़े बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो जो बेबी ख्योरा में रहता है वो आ सकता है यहाँ पढ़ने के लिए। तो बस अभी हम निकल गए यहाँ से, अब अगर हमें यहीं से कोई ऑटो मिल जाए ना तो वेल एंड गुड। ये देखो ये लाइब्रेरी का बोर्ड भी है लगा हुआ। तो वैसे भी आज संडे है, तार है, हम संडे भी बोलते हैं, हम तार बोलते हैं, तार है और तार है। तो हम भाई पहाड़ी ही, हम संडे को संडे ही बोलते हैं, तार बोलते हैं निशा। तो मेरे मामू की दुकान है वो बर्तनों की, अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं गाड़ियों का, ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो का। तो चलिए जी चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं फिर वेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं घर की तरफ। अच्छा और जोरी में ये जो ऑटो चल रहे हैं छोटे छोटे, इनसे बड़ी सहूलियत होगी खासकर हम गर्ल्स को। और वैसे भी J&K में भी पुलिस को जो है गर्ल्स की सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो हादसे हो रहे हैं बाहर, ये हमारे J&K में भी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं हर जगह, कई जगह पे और हो भी सकते हैं। तो थोड़ी सेफ्टी वगैरह बढ़ानी चाहिए। तो चलिए जी हम जा रहे हैं फिर हम। ये देखो जी ये ख्योरा का एरिया, दानशाबाद कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं, वार्ड नंबर 1 रजौरी का, ये पूरा ख्योरा का एरिया आप देख सकते हो। तो ये हमारा एरिया भाई, हमारा अपना इलाका। हाँ तो बड़ी गर्मी है भाई, सितंबर का महीना चल रहा है, सॉरी सितंबर का महीना लगने वाला है, अभी अगस्त का चल रहा है, अगस्त एंडिंग है, लेकिन गर्मी ही गर्म हो रही है। सितंबर में मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन अभी तक ठंडा हुआ नहीं है। तो गाइस अब हम जो जा रहे हैं, तो मुझे हो रहा दांत में दर्द, अगर मुझे कहीं से लेजर टीम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि पेन किलर मिलना चाहिए मुझे। तो ये देखो जी ये ख्योरा की नहर है, ये हमारे ख्योरा की नहर है कसी, द्रहाली। ये कहाँ से आती है? द्रहाल वाली साइड से ये आती है भाई। ये देखो शिकागो पिज्जा, यहाँ की मैंने ऐड भी की थी, ये ओपन है, आप लोग आए तो यहाँ पे लोग तो बैठाएं अपने पिज़्ज़ास का, बड़ी टेस्टी पिज़्ज़ा बनाते हैं ये। तो गाइस हम लोग ऑटो से उतर के हैं और अब जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखो ये रास्ता आपको पहले भी दिन दिखाया है, तो अब फिर यहीं से जा रहे हैं। ये देखो जी नहर जा रही है हमारे पास, छोटी सी नहर जा रही है। तो जन्नत को नूर मिल गई,
भी है, जन्नत और नूर दोनों खेल रही, ये साइकिल पड़ी हुई है इसके पीछे पड़े हुए। नूर सलाम करो। अस्सलाम। कैसे हो सारे? तोड़ना नहीं कुछ, तोड़ना नहीं कुछ, कुछ भी तोड़ना। बहुत गर्मी है बाहर। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैंने मक्खी शक्की लगाई हुई है, ये देखो मक्खी ने निकाल के खा भी दी है सारी, तो मैंने इधर चखी भी नहीं। ये देखो, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे एक बार। ओहो, मेरा फ़ोन जो है ना, पता नहीं क्या इसके आगे लग जाता है, तो शायद मेरे ख्याल से बाहर से रिफ्लेक्शन पड़ रही। तो यहाँ पे देखो ना, तीनों भाई बहन लड़ रहे हैं। या प्रिस प्रिस ने ट्रेन दो ही मार, इधर नहीं है कोई नहीं। ओ नूर को लगी सट है। बहुत तंग कर रही है दोनों, बहुत ज्यादा। उसको देख के ये भी रोती है। अल्लाह मामा शहद के मामा आज मेरे पास इधर आ जा, जाए मामा शहद की जाए मामा। तो गाइस अब मैं देखो यहाँ थोड़ा बाहर आई हूँ टहलने के लिए, तो जन्नत भी मेरे साथ है। तो ये देखो जी मक्खी शक्की लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी मक्खी होगी। जब पिछली बार जब मैं आई थी ना, बहुत इतनी छोटी छोटी मक्खी थी, तो आज तो बहुत बड़ी बड़ी होगी, आप देख सकते हो। तो ये देखो जी बहुत बड़ा चनार का पेड़ भी है, वो देखो सामने चनार का पेड़ है वो देखो जी, ये देखो, तो देखो जी मक्खी, वो देखो पार छोटी छोटी मक्खी है, तो इधर बड़ी बड़ी मक्खी है। देखो जी सारी खुमे इन्होंने खा ली है, सारी मक्खी इन्होंने खा ली है, खाली टांडे ही बचे टांडे। ये देखो जी अपने दिखाती हूँ पूरा, तो हमारा घर आप बताओ, वो पार है, वो पार सामने वो दिख रहा है, वो हमारा घर है। ये देखो ये पूरा हमारा नानका है, तो वो मेरे सास माँ भी अंदर नहीं है, वो रेस्ट कर रही है। तो हम लोग घर घूम रहे हैं, इन्होंने खा ली है मक्खी सारी, ये बहुत जलाक लड़की है। देखो ऊपर उन्होंने बिले छिले भी लगाई हुई यहाँ पे, कद्दू चोरी शोरी ये वो। ये देखो जी हम लोग जो है ना, हम पहाड़ी लोग हैं, हम लोग ना सब्जी खरीद के कभी नहीं खाते, हम लोग अपनी लगाते मेहनत करके, फिर तोड़ ताड़ के साफ करके फिर खाते होते। और कुड़िए कोई साधु शिला खा चीज़ दिन, ओ कुड़ी इधर गेटी शाओ कुड़ी पर हम गेटी सीनी जाइए जा। असली ये लड़कियां बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये दोनों की पछती नहीं, दूर भी नहीं रख सकती, पास भी नहीं रह सकती है। देखो जी ये देखो जी मक्खी के टांडे, ये देखो, ये देखो जी, देखो ये देखो जी, ये देखो सब्जियां लगी हुई हैं, मक्की भी लगी हुई है। ये देखो जी लेकिन मक्खी को कुछ खा गया है, पता नहीं क्या खा गया, सारी मक्की देखो खराब हो गई है। देखो जी बिल्ली छिली भी लगी हुई है, ये देखो जी बीच में नीली मिर्ची भी लगी हुई है। ये देखो जी सारा कुछ देख लो। तो हम लोग, हम पहाड़ी लोगों की यही खासियत होती है कि हम लोग जो है कभी कुछ खरीद के नहीं खाते, हम लोग लगा के खाते, मेहनत करके उगा के खाते होते। ये देखो जी, ये देखो, ये देखो नीली मिर्ची भी लगी हुई है। देखो जी नीली मिर्च, ये देखो, देखा कितनी अच्छी सी नीली मिर्ची लग रही है, इनकी चटनी बड़ी सही बनती है। ये देखो जी, ये देखो बड़ा ही मज़ा आता है चटनी खाने का नीली मिर्चों का। ये देखो जी अभी इस टाइम में सब्जी के बीच में, गाड़ी के बीच में देखो करेले भी लगे हुए हैं, और ही तोरियाँ छोरियाँ बड़ा कुछ लगता है यहाँ पे। दूसरे तो फोटो खींच सकते हैं फिर। ये देखो जी खुम्मे बनाई थी रिश्ते बनाई, मैंने तो बनाई नहीं। ये देखो ये दो दी बनाई हुई है, तो बड़ी स्वादली है, और मैंने भी खाई है। तो लड़कियाँ नूर और जन्नत बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करी जन्नत वो है। दिल अपनी नूर को मारा अंदर जल्दी अंदर क्या दो दी। ये देखो दो दी खा रही है कच्ची वाले, गई बात रुसी। रोटी खाई मैं, खाना खा रही हूँ, जनाती सब्जी चिकन चटनी खीरा कोल्ड ड्रिंक नॉक। अभी खाना खा रहे हो आप? खाना खा के सीधा चिकन का तो मज़ा आता ही आता है, चिकन तो हर एक को पसंद है।